हेलो फ्रेंड, मैं रेनू। और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? तो आज मौसम बहुत अच्छा था और हम लोगों ने सोचा कि कल बहुत तेज़ बारिश हुई, मेरे प्लांट्स का भी काफ़ी नुकसान हुआ, तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। फ्रेंड देखिए, थोड़ी सी कटिंग शटिंग कर देते हैं। जो एरेका पाम में ये टिप जो होती है, जो ब्राउन हो जाती है, ये बहुत ही ख़राब लगती है फ्रेंड। ये मेरे रूम में रखा काफ़ी दिन से प्लांट था, मैंने कुछ दिन पहले ही इसको 10-15 दिन पहले ही बाहर निकाला है। तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं फ्रेंड, इसको काट दीजिए वरना ये पूरा प्लांट ख़राब लगता है देखने में। और बारिश के पानी जो होता है वो अरेका पाम को बहुत पसंद होता है, तो इसको आप बारिश में कुछ दिन के लिए रख दीजिए। और इसको भी, अरेका पाम को भी बारिश का पानी बहुत पसंद होता है फ्रेंड। देखिए, जो सब सूखी पत्तियां हैं इनको हटा दीजिए अपने गार्डन से, ये बहुत ही ख़राब लगती हैं, आपके प्लांट को अच्छा लुक नहीं देती हैं। और देखिए, इस तरह की पत्तियाँ सारी हटा दीजिए। तो फ्रेंड, आज हम लोग ऐसी तरह से, मैंने सीजर थाम रखी है और जो भी प्लांट में मिली बग लग रहे हैं, मेरे तो खैर नहीं लगे हैं अभी, अल्लाह का शुक्र है। और इधर भी जो है वो प्लांट, जो सूखी पत्तियां हैं वो सब हम लोग रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए, इधर आलमंडा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड। मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को कायदे से, क्योंकि बहुत ऊपर तक वाइन गई है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ये आलमंडा का प्लांट हमको दे रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस पर, येलो कलर भी और पिंक कलर वाला भी, दोनों बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग दे रहा है। मैंने इस पर वीडियो शेयर की है, आप लोगों को पसंद आई होगी फ्रेंड, देख सकते हैं आप। ये आलमंडा की वाइन है, जो ज़रूर लगाइए आप लोग अपने गार्डन में, बहुत ही खूबसूरत लगती है फ्रेंड। और अब तो ड्राफ्ट वैरायटी का भी आ गया है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड। और देखिए कितना प्यारा लगता है येलो कलर का फ्लावर। मेरा टिकोमा में अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं और 2 साल का प्लांट हो रहा है, मुझे लगता है 3 साल पे आएंगे क्या। वो सीड से लिखता हुआ प्लांट उसने, लगता है मुझे नर्सरी वाले ने दे दिया। खैर, जो भी है, अगर आपको नॉलेज होगी तो बताइएगा। अभी तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है। मेरी चंपा में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, ये जेट्रूपा का प्लांट है फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी साल का ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन जेट्रूपा में फ्लावर ना खिले। सर्दी गर्मी, सर्दी में सिर्फ 1 महीने के लिए इसकी फ्लावरिंग रुकती है जनवरी में, बाकी दिसंबर तक ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो ये सूखी पत्तियाँ देखिए, आपको हटाते रहना, इससे प्लांट अच्छे भी नहीं लगते हैं और आप इसको कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम लोग गार्डन में हैं और ये देखिए रोज़ के जो फ्लावर खिल जाए, इसको 3 स्टेप छोड़ के आप काट सकते हैं। मैं तो ऐसे ही काट रही हूँ क्योंकि इसमें देखिए नई नई लीव्स आ रही है। देखिए, जो ये कटी पटी पत्तियाँ होती हैं उन सबको आप हटा दीजिए। और ये जो फ्लावर होते हैं रोज़ में, देसी रोज़ में तो आप हटा ही दीजिए, उससे सीड बनने लगते हैं, सीड पॉट बनता है, मैंने दिखाया था आप लोगों को। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे गुलाब के सीड पॉट होते हैं ना फ्रेंड, जो देसी गुलाब का, उससे भी प्लांट उगते हैं मगर बहुत टाइम लेते हैं। तो ये देखिए, जो भी है हटाते रहिए। ये देखिए, ये हमारा शिम लॉलीपॉप है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था फ्रेंड, अभी तो फिर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। और अब रेनी सीजन में सारे तरफ फ्लावर ही फ्लावर हो जाएंगे। देखिए, ये मेरी कटिंग भी सक्सेस हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें फ्रेंड। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड, अपना और अपने प्लांट्स का बहुत ख्याल रखें। बाय फ्रेंड्स।